सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। मई मंथ के करंट अफेयर में हम 75 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आप सभी को वीडियो को अच्छे से देखना है। वीडियो देखने के बाद आप इस करंट अफेयर क्विज की प्रैक्टिस क्रेजी जीके ट्रिक के ऐप पर कर सकते हैं और सभी करंट अफेयर्स और जीके की पीडीएफ भी आप क्रेजी जीके ट्रिक ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर दोस्तों आपको मैथ्स का पेन ड्राइव कोर्स परचेस करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को देखिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। 1923 को देखिए इसकी शुरुआत हुई थी और कहाँ से हुई थी? मद्रास से हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वरुण 2019 नौ सैन्य अभ्यास किस देश के साथ मिलकर किया है? तो देखिए भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ है वरुण 2019 नौ सैन्य अभ्यास, कहाँ पर? गोवा के निकट। इस द्विपक्षीय नौ सैन्य अभ्यास की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1983 को हुई थी, ओके। और इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना। तो ध्यान रखिएगा, वरुण 2019 का संबंध किससे है? भारत और फ्रांस। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मई को निम्न में से कौन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो देखिए 1 मई को किन दो राज्यों ने? महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ध्यान रखिएगा, 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट का बंटवारा हुआ था और दो राज्यों का गठन किया गया था, महाराष्ट्र और गुजरात का, ओके। तब से 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात जो है अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत सरकार ने 10 कमोव KA-31 हेलीकॉप्टरों के खरीद को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। यह हेलीकॉप्टर भारत किस देश से खरीदेगा? तो देखिए रक्षा मंत्रालय ने रूस से 10 कमोव KA-31 हेलीकॉप्टरों के खरीद को हाल ही में मंजूरी दी है। भारतीय नौसेना के हवाई खतरों के खिलाफ क्षमता को मजबूत करने के दृष्टिकोण से यह फैसला लिया गया है। तो किस देश से? रूस से भारत जो है वो खरीदेगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो भारतीय नौसेना ने INS वेला सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत अपने बेड़े में शामिल किया है। देखिए प्रोजेक्ट 75 क्या है? इसके तहत भारत जो है 6 सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल कर समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने का काम कर रहा है, ओके। अभी तक 4 सबमरीन को इसके तहत शामिल किया जा चुका है, INS खंडेरी, INS करंज, INS कलवरी और चौथा कौन सा शामिल किया गया है? INS वेला को। 2 सबमरीन को और भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में INS वेला को शामिल किया गया। निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे पहला जलवायु आपातकाल घोषित किया है? किसने करा है? देखिए 1 मई को यूके की विधान पालिका ने विश्व का पहला जलवायु आपातकाल प्रस्ताव को क्या करा है? पारित किया है, ओके। इस घोषणा को करने वाला ब्रिटेन जो है वो विश्व का पहला देश बन गया है। बढ़ते हुए कार्बन उत्सर्जन को ध्यान में रखकर ब्रिटेन ने यह फैसला किया है। तो विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश है? ब्रिटेन है, जिसने जलवायु आपातकाल को घोषित किया है। इनमें से किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? इसरो के पूर्व चेयरमैन और भारतीय वैज्ञानिक AS किरण कुमार को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। किरण कुमार जो है वो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और 2015 से लेकर 2018 तक इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हाल ही में इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस भारतीय पहलवान ने रूस में आयोजित अली अलीयेव कुश्ती प्रतियोगिता में 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? बजरंग पुनिया ने। इसमें से किस भारतीय हस्ती को प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? पीके मिश्रा को, प्रमोद कुमार मिश्रा को। आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2019 से इन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में सिंगापुर और भारत के बीच कौन सा वार्षिक द्विपक्षीय नौसैन्य युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? कौन सा देखिए युद्ध अभ्यास? सिम्बेक्स 2019। और इसका उद्देश्य क्या है? पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक और समुद्री संबंधों को आगे बढ़ाना। ध्यान रखिएगा, यह युद्ध अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? सिंगापुर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक के सदस्य भी शामिल हुए, निम्न में से कौन सा देश बिम्सटेक का हिस्सा नहीं है?
तो आप सभी को पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। बिम्सटेक जो है वो दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है जो बंगाल के खाड़ी के निकट स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में बिम्सटेक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। क्लियर। बिम्सटेक के कितने सदस्य हैं? ध्यान रखिएगा, 7 सदस्य हैं। कौन कौन से? भारत है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये बिम्सटेक के सदस्य हैं। तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, सिंगापुर यहाँ पर देखिए सदस्य नहीं है, तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडक्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। और ये संगठन जो है हिंसा और युद्ध में पीड़ित लोगों के लिए काम करता है। रेडक्रॉस के जनक किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। जॉन हेनरी डिनेंट को कहा जाता है रेडक्रॉस का जनक। इनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था, इसलिए 8 मई को हर साल विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाया जाता है। हेनरी को ही पहला नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा आप। साथ ही विश्व रेडक्रॉस समिति को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व रेडक्रॉस दिवस 2019 की थीम थी, तो 2019 रेडक्रॉस दिवस की थीम क्या थी? लव, प्रेम, इस बार की थीम थी। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। आईपीएल के 12वें सीजन का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है? किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2019 का खिताब जीता है। ओके, 12वें सीजन का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। फाइनल जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? मुंबई और चेन्नई के बीच में हुआ था, और मुंबई ने इस खिताब पर कब्जा कराया। कितनी बार मुंबई ये खिताब जीत चुकी है आईपीएल का? 4 बार ये खिताब जीत चुकी है। सबसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियंस ने ही खिताब को जीता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है चेन्नई, जिसने 3 बार इस खिताब को जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सबसे ज़्यादा आईपीएल खिताब इनमें से किस टीम ने जीते हैं? सबसे ज़्यादा आईपीएल खिताब किस टीम ने जीते हैं? मुंबई इंडियंस ने 4 बार। किस भारतीय लेखिका को 9 डॉट्स प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? भारतीय लेखिका एनी जेदी को। उनकी पुस्तक ब्रेड सीमेंट कैक्टस के लिए उन्हें 9 डॉट्स प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक में उन्होंने घर और इससे जुड़ी भावनाओं का चित्रण किया है। हाल ही में आरबीआई ने आम लोगों के लिए आरटीजीएस के जरिए पैसे लेन देन का समय बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? देखिए, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसका टाइमिंग जो है अभी हाल ही में आरबीआई ने चेंज किया है। पहले जो टाइमिंग था वो 8 AM से लेकर 4:30 PM तक था, बट अभी चेंज करके क्या कर दिया गया है? 8 AM से 6 PM तक इसको कर दिया गया है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और NEFT का टाइमिंग क्या है? NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्लियर, इसका टाइमिंग जो है वो 8 AM से 6:30 PM होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्टॉक मॉरिसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो हाल ही में स्टॉक मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। मॉरिसन जो है लिबरल पार्टी से संबंधित हैं और ऑस्ट्रेलिया के वो 30वें प्रधानमंत्री बने हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जोको विदोदो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, सी आंसर सही होगा। मेन बुकर पुरस्कार 2019 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखिएगा, ओमान की लेखिका जोखा अलार्ती को वर्ष 2019 का मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उन्हें ये पुरस्कार जो है उपन्यास सेलिस्टियल बॉडीज के लिए दिया गया है। ये उपन्यास उन्होंने अरबी भाषा में लिखा है और इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो है वो किसने करा है? मैरिलिन बूथ ने किया है। तो अगर दोनों नामों में से अगर कोई भी नाम आता है तो उसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस उपन्यास में समय के साथ ओमान में हुए परिवर्तन का विवरण जो है वो जोखा अलार्ती ने किया है। पहली अरबी भाषा के लेखक बन गई हैं जिसे मेन बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो जोखा अलार्ती जो है उन्हें मेन बुकर 2019 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जोखा अलार्ती को उनकी किस उपन्यास के लिए मेन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसी भी तरीके से देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेलेस्टियल बॉडीज के लिए उन्हें मेन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जोखा अलार्ती ने 2019 मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता, वे किस देश से हैं? किस देश की रहने वाली हैं? ओमान की रहने वाली हैं।
हाल ही में कौन सा राज्य आपदा सेस फ्लड सेस लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपदा सेस लगाने वाला देखिए देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। ओके, केरल सरकार ने 1 जून से राज्य में 5% से अधिक GST वाली वस्तुओं पर 1% अतिरिक्त कर जो है आपदा कर वो शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के पुनर्निर्माण हेतु धन को एकत्रित करना। आप सभी को पता ही होगा केरला जो है वो अगस्त 2018 में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो केरल सरकार ने राज्य के पुनर्निर्माण हेतु धन एकत्रित करने के लिए वहां पर आपदा सेस लगाया है, फ्लड सेस लगाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस राज्य को WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु वर्ष 2019 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किया है। ध्यान रखिएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के साथ पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में पैसिफिक वैनगार्ड सैन्य अभ्यास जो है वो किया है? किन देशों के साथ में? जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, तीनों देशों के साथ में पैसिफिक वैनगार्ड सैन्य अभ्यास किया है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से किस देश ने परमाणु ऊर्जा संचालित बर्फ तोड़ने वाले जहाज आइस ब्रेकर शिप यूराल का शुभारंभ किया है? तो रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु ऊर्जा संचालित बर्फ तोड़ने वाले जहाज यूराल का शुभारंभ किया है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, तो थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस जो है वो मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल को किस जगह के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है धीरू भाई नारायण भाई पटेल को। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? 217(1) के तहत। ओके, और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उपन्यास इन अवर मैड एंड फ्यूरियस सिटी के लेखक हैं, तो देखिए श्रीलंका के एक उपन्यासकार हैं गाई गुणारत्ने। इन्हें हाल ही में 2019 अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है उनके उपन्यास इन अवर मैड एंड फ्यूरियस सिटी के लिए उन्हें दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इन अवर मैड एंड फ्यूरियस सिटी के लेखक कौन हैं? गाई गुणारत्ने हैं। मई 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MoSPI के द्वारा CSO और NSSO का विलय किसमें करने का निर्णय लिया है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए हम समझ लेते हैं CSO और NSSO क्या होता है। CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मतलब आर्थिक आंकड़े जारी करने का काम करता है ये, जैसे GDP वृद्धि दर के आंकड़े, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन के आंकड़े, ये जारी करने का काम कौन करता है? CSO करता है। और NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्च, इन सब से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट जो है वो पेश करता है। कौन? NSSO। अब देखिए MoSPI जो मिनिस्ट्री है उसकी बेसिकली दो शाखाएं होती हैं, एक होती है NSO और एक होती है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। NSO क्या काम करती है? स्टैटिक्स पे मतलब आंकड़ों पे काम करती है, और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आंकड़ों को कलेक्ट करने का काम करती है। तो देखिए हाल ही में CSO और NSSO जो स्वतंत्र बॉडी थी उसका विलय जो है वो किस में कर दिया गया है? NSO में कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, मई 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MoSPI के द्वारा CSO और NSSO का विलय किस में करने का निर्णय लिया गया है? किस में? NSO में, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में संपन्न फॉर्मूला वन रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2019 के विजेता हैं कौन है? लुइस हैमिल्टन। ध्यान रखिएगा ये भी। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बना है? कौन? ताइवान। ताइवान की संसद ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला ताइवान एशिया का पहला देश बना है। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कौन सी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो देखिए उड़ीसा में अभी विधानसभा चुनाव जो है लोकसभा चुनाव के साथ कंप्लीट हुए, मैंने आपको पहले भी देखिए डिस्कस कर चुका हूँ इलेक्शन वाले वीडियो में, तो नवीन पटनायक ने 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। नवीन पटनायक जो है वो किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं?
बीजेडी से संबंधित हैं, बीजू जनता दल। और उड़ीसा में देखिए विधानसभा सीट थी 147, जिसमें से बीजेडी ने 112 सीटें जीती हैं और सरकार बनाई है। तो नवीन पटनायक जो है पांचवी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 मई 2019 को लोकपाल अध्यक्ष ने लोकपाल की आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन किया। लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं, बस ये ध्यान रखिएगा, लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, पिनाकी चंद्र घोष हैं। चर्चा में रहा चागोस द्वीप किस महासागर में स्थित हैं, तो ये द्वीप जो है चागोस द्वीप ये हिंद महासागर में स्थित हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, क्यों रहा, देखिए 1968 में ब्रिटेन ने मॉरिशियस को क्या कर दिया था, स्वतंत्र कर दिया था, पर चागोस द्वीप जो है उसको स्वतंत्र नहीं करा था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में अभी प्रस्ताव पारित कर यूनाइटेड किंगडम को, यूके को निर्देश दिए हैं कि वह चागोस द्वीप से उसका अधिकार जो है वो बिना शर्त वापस ले ले। तो इसीलिए चागोस द्वीप जो है हाल ही में सुर्खियों में रहा, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है, ये हिंद महासागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं, तो हाल ही में देखिए अभी लोकसभा चुनाव के साथ में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी कंप्लीट हुए, वहां पर देखिए 175 कुल सीटें थी, जिसमें से 151 सीटें जो है वो किसने जीती हैं, वाईएसआर कांग्रेस ने जीती है, और जगनमोहन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ध्यान रखिएगा किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं, वाईएसआर कांग्रेस से संबंधित हैं, क्लियर। तेलुगु देशम पार्टी जो है उसको कितनी सीटें मिली है, 23 सीटें मिली हैं। जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, चंद्रबाबू नायडू थे, ठीक है, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित थे, तो वो हार गए, उनकी जगह पर कौन बने हैं, अब जगनमोहन रेड्डी बने हैं। भारतीय खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित हैं, तो हाल ही में भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में विश्व की नंबर वन निशानेबाज बन गई हैं। तो किस खेल से संबंधित है, ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। हाल ही में संपन्न हुई फॉर्मूला वन कार रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब किसने जीता है, किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है, और लुइस हैमिल्टन का ये 76वां अपने करियर का खिताब है। तो लुइस हैमिल्टन ध्यान रखिएगा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा फोनी चक्रवात तूफान का प्रभाव सबसे अधिक किस राज्य में देखने को मिला, तो देखिए फोनी चक्रवाती तूफान जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, तो इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फोनी चक्रवात का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो भारत में कहाँ पर देखने को मिला, उड़ीसा राज्य में देखने को मिला। चक्रवात जो होता है एग्जैक्टली में क्या होता है, जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं तो वो हवाएं सीधी नहीं जाती हैं, वृत्ताकार मार्ग बनाते हुए जाती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, जिसे क्या बोलते हैं, हम चक्रवात बोलते हैं। चक्रवात बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से जन्म लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो जब चक्रवात इस क्षेत्र के बीच में जन्म लेता है तो उसे क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोला जाता है, क्लियर। तो फोनी चक्रवात जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये आप ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसको देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे चीन सागर में टाइफून के नाम से, अमेरिका में हरिकेन के नाम से, ठीक है, भारत के आसपास चक्रवात के नाम से। तो ये बेसिक आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। चक्रवात के बारे में देखिए डिटेल में आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर है उसमें आपको बताऊंगा, चक्रवात और प्रति चक्रवात हम उसमें अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, बस आप कुछ बेसिक पॉइंट जो बता रहा हूँ बस वो ध्यान रखिएगा। अब फोनी चक्रवात का देखिए नामांकन किसने करा है, ये भी ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश के सुझाव पर तूफान का नाम जो है वो क्या रखा गया है, फोनी रखा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको याद रखना है, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा फोनी चक्रवात तूफान का प्रभाव सबसे अधिक किस राज्य में देखने को मिला है, कहाँ पर देखने को मिला है, उड़ीसा में। फोनी तूफान था, फोनी किस तरीके का तूफान था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ये आंसर। चक्रवात फोनी का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है, किस देश के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, करमबीर सिंह को, उन्होंने किसका स्थान लिया है, सुनील लांबा का। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हवाई अड्डे को, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हाल ही में भारत की प्रसिद्ध पर्वतारोही कल्पना दास का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थी,
तो वो किस राज्य से संबंधित थी? उड़ीसा से। उड़ीसा की पहली महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने 2008 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो किस राज्य से संबंधित हैं? उड़ीसा से। डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के किस नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए, आकाश मिसाइल के किस नए संस्करण का? MK-1S का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये मिसाइल जो है सतह से हवा में मार करने में सक्षम है और इसकी रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए और पेमा खांडू जो हैं फिर से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो सिक्किम में भी देखिए हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए लोकसभा इलेक्शन के साथ में, तो वहाँ पर देखिए सत्ता में परिवर्तन हुआ। प्रेम सिंह तमान जो है सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने पवन कुमार चामलिंग का स्थान लिया है। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने शाहीन 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने करा है? पाकिस्तान ने हाल ही में शाहीन 2 नामक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 1500 किलोमीटर है। सी आंसर। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम है, पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम क्या है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए हाल ही में अभी 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती मनाई गई है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ष 2000 में अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रियंका मोहिते मकालू पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मकालू पर्वत स्थित है, मकालू पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है? नेपाल चीन सीमा के करीब में स्थित है। तो कहाँ पर पड़ता है? ये एशिया में पड़ता है। ओके, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने मकालू पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है। मकालू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8481 मीटर है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं प्रियंका मोहिते। हाल ही में उन्होंने मकालू पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है। हाल ही में नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली समिति ने किससे संबंधित रिपोर्ट RBI को सौंपी है? तो देखिए, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए RBI ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जो है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को सौंपी है। तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से संबंधित रिपोर्ट, ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। RBI रिजर्व बैंक जो है वो क्या काम करता है? भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इनमें से किस पर्वतारोही ने 24वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? किसने? कामी रीता शेरपा ने, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में 24वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। कमिंग राउंड द माउंटेन पुस्तक के लेखक हैं कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है उन्होंने पुस्तक लिखी है और उन्होंने अपने बचपन का विवरण जो है इस पुस्तक में किया है। अंग्रेजी भाषा के विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने कमिंग राउंड द माउंटेन पुस्तक अभी हाल ही में लिखी है। मशहूर उद्योगपति योगेश चंद्र देवेश्वर का निधन हो गया, वह किस कंपनी के चेयरमैन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। योगेश चंद्र देवेश्वर जो है वो ITC के चेयरमैन थे। 2017 में उन्होंने ITC के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो गैर कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर कंपनी से जुड़े हुए थे। हाल ही में उनका निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, 2011 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ITC के चेयरमैन योगेश चंद्र देवेश्वर का हाल ही में अभी निधन हो गया है। ITC का नया चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ये भी आप ध्यान रखिएगा, संजीव पुरी को ITC का नया चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ITC के नए चेयरमैन और MD के रूप में संजीव पुरी जो है वो कार्य कर रहे हैं। 9 मई को भारतीय सशस्त्र सेना ने अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर बुल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन किया? किस द्वीप पर? टेरेसा द्वीप पर। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों ने हिस्सा लिया था और भारतीय सेना ने ये युद्ध अभ्यास कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। तो बुल स्ट्राइक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? टेरेसा द्वीप पर। हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन Alpha X का परीक्षण किया है? किस देश ने? जापान ने। जापान ने विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन Alpha X का परीक्षण शुरू किया। ये ट्रेन जो है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है
और ये ट्रेन जो है 2030 तक अपनी सेवा जो है वो शुरू करेगी। हाल ही में किसे अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है? किसे दिया गया है? अमेरिका के महान गोल्फर टाइगर वुड्स को। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है। ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, टाइगर वुड्स को दिया गया। हाल ही में त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? त्रिशूर पूरम उत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया? केरल में। इस पर्व में हाथी पर भगवान शिव की मूर्ति रखी जाती है और भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिसे देखने सैकड़ों लोग जो है वो इस उत्सव में भाग लेते हैं। तो त्रिशूर पूरम उत्सव का संबंध जो है वो किस राज्य से है? केरल राज्य से है। आगे देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा इलेक्शन जो हाल ही में अभी कंप्लीट हुए हैं उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस ऐड करे हैं, चूंकि ये मई मंथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कंप्लीट हुई है, तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने लोकसभा इलेक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। हाल ही में कौन सी लोकसभा के गठन के लिए 2019 आम चुनाव कराए गए? किस लोकसभा के गठन के लिए? 17वीं लोकसभा के गठन के लिए 2019 आम चुनाव कितने चरणों में पूरे कराए गए थे? 7 चरणों में पूरे कराए गए थे। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए कितनी सीटों पर आम चुनाव कराए गए? तो कितनी सीटों पर? 542 सीटों पर आम चुनाव कराए गए। 543 सीटों पर होने थे, पर अंतिम क्षण में वेल्लोर सीट पर लोकसभा चुनाव जो है वो कैंसिल हो गए थे, तो 542 सीटों पर ही आम चुनाव कराए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आम चुनाव 2019 के दौरान किस लोकसभा सीट पर चुनाव रद्द किया गया था? किस लोकसभा सीट पर? वेल्लोर सीट पर। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए कुल मतदाताओं का कितने प्रतिशत मतदान किया गया? कुल मतदाताओं का कितने प्रतिशत मतदान जो है वो किया गया था? 67.11 प्रतिशत मतदान जो है वो दर्ज किया गया। डी आंसर यहां पर सही होगा। 2019 आम चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जो है, बीजेपी ने सबसे ज्यादा कितनी सीटें जीती हैं? 303 सीटें जीती हैं। बी आंसर यहां पर सही होगा। 2019 आम चुनाव के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी का अधिकार निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी को मिला है? तो मुख्य विपक्षी पार्टी का अधिकार जो है वो किसी को नहीं मिला है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी का अधिकार पाने के लिए कम से कम 55 सीटें आना जरूरी होता है, और कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं? 52 सीट्स हैं। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लिए कम से कम कितने सीटें होना आवश्यक हैं? कितनी? 55 सीटें हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आम चुनाव 2019 में कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? कितनी सीटों पर? 52 सीट्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है 80। 2019 के आम चुनाव में नोटा का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला राज्य है, सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार में 2.08 प्रतिशत नोटा जो है वो यूज किया गया है। वीवीपैट में ए का मतलब होता है, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें ए का मतलब होता है ऑडिट, तो यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान भारत के वित्त मंत्री हैं, तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री जो है वो कौन है? निर्मला सीतारमण है। बी आंसर। भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं, तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं कौन है? राजनाथ सिंह। पहले कौन थे? ये गृह मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से गलत कथन है, एस जयशंकर विदेश मंत्री, बिल्कुल सही। किरेन रिजिजू खेल मंत्री, बिल्कुल सही। रमेश पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, HRD मंत्री हैं, बिल्कुल सही। पीयूष गोयल परिवहन मंत्री, ये गलत है, पीयूष गोयल जो हैं वो रेल मंत्री हैं। निम्न में से गलत कथन है, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, बिल्कुल सही। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, ये भी सही है। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, ये भी सही है। पेट्रोलियम मंत्री जो है वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, तो यहाँ पर डी आंसर जो है वो गलत है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? कौन है? इंदिरा गांधी। एक साल के लिए वित्त मंत्री रही थी इंदिरा गांधी, और दूसरी कौन है? ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण ने। तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में अभी जो मंत्रिमंडल का देखिए गठन किया गया है, तो उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर करे हैं। तो यहाँ पर देखिए मई मंथ का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा, तो अब एक बार इस करंट अफेयर की इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। क्रेजी जेके ट्रिक के ऐप में देखिए मंथली करंट अफेयर में आपको प्रैक्टिस करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको देखिए इस करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना है, तो वो भी आप क्रेजी जेके ट्रिक के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।